अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आई हूँ विंटर शॉपिंग करने के लिए। आप इसे विंटर शॉपिंग समझे या सेल शॉपिंग, दोनों एक ही बात है। वैसे भी आजकल तो ना बस शादियों का और सेल्स का ही सीजन चल रहा है। खैर, ये भी अच्छी बात है कि विंटर के स्टार्ट में ही सेल लग जाए और शॉपिंग भी कर ली जाए। पहले तो ना बस सीजन एंड सेल्स ही लगती थी, लेकिन अब तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन सेल लगी होती है। खैर, सानों की साडा तो फायदा है। अच्छा, मैंने ना सीजन एंड सेल से लास्ट ईयर शॉपिंग की थी नेक्स्ट ईयर के लिए, लेकिन फिर भी अभी कुछ चीज़ें लेने वाली थी, क्योंकि विंटर में सिर्फ एक कपड़ा तो नहीं पहना जाता। उसके लिए स्वेटर्स, जैकेट, शॉल्स, कैप, सॉक्स, इस जैसी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और स्पेशली ना जब आपके बच्चे छोटे हों तो इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि सर्दी से बचा जा सके। तो बस इसी मकसद के लिए आई हूँ मैं भी, और अपने लिए, बच्चों और हस्बैंड के लिए कुछ शॉपिंग करनी है आपके साथ, वो भी शेयर करूँगी। इसलिए वीडियो के एंड तक लास्ट भी देखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। अब देखते हैं शॉपिंग। सबसे पहले तो ना मैं आपको ये ट्राउज़र दिखाऊंगी, क्योंकि ये मुझे फ्लैट 60% ऑफ पर मिला है। सना सफीनास का आर्टिकल है ये, और इसकी एक्चुअल प्राइस तो ज़्यादा थी, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये 1400 में है। समर आर्टिकल है। वैसे तो ना मैं विंटर शॉपिंग के लिए गई थी, लेकिन यहाँ पर इतना अच्छा डिस्काउंट है और ट्राउज़र भी अच्छा लगा, तो नेक्स्ट ईयर के लिए ले लिया। इंशाल्लाह मैं इसे नेक्स्ट समर में पहनूंगी। अच्छा, इनकी समर कलेक्शन पर ना बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है। अगर आपने नेक्स्ट सीजन के लिए डिस्काउंट प्राइस पर शॉपिंग करनी है तो आप इनको कंसिडर कर सकती हैं। वैसे मैंने इनके प्रेट और अनस्टिच कलेक्शन की सेपरेट वीडियोस भी अपलोड की हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और ये आर्टिकल जो है ये एथनिक से मैंने बाय किया है। ये खदर स्टफ में है, थ्री पीस ड्रेस है, और ये फ्लैट 25% ऑफर मुझे मिला है, क्योंकि अभी रिसेंटली एथनिक पर ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही थी। और इसकी शर्ट प्रिंटेड है। मुझे इस ड्रेस का ना प्रिंट काफ़ी अच्छा लगा। सिर्फ इसकी शॉल पसंद नहीं है, वो भी इसलिए कि शॉल बिल्कुल प्लेन है। बहुत ही प्यारा ग्रीन कलर का ड्रेस है ये। वैसे इस दफ़ा ना मेरे पास इस कलर में 2 या 3 ड्रेसेस हो चुके हैं। और ये शर्ट की फ्रंट साइड है, इसका प्रिंट बहुत ही खूबसूरत है। वीडियो में इतना अच्छा नहीं लग रहा, एक्चुअली काफ़ी प्यारा है। और ये इसके बैक साइड का प्रिंट है, और ये इसके स्लीव्स हैं। मुझे इसका डिज़ाइन जो है ना वो काफ़ी अच्छा लगा, स्टिचिंग स्टाइल बहुत पसंद आया। इंशाल्लाह मैं भी ऐसा ही स्टिच करवाऊंगी अगर टेलर ने कर दिया। और जी, ये मैंने स्वेटर लिया है ब्रेकआउट से, क्योंकि ब्रेकआउट पर भी फ्लैट 30% ऑफ है। ये फ्रंट ओपन है। अच्छा, ब्लैक और वाइट कलर का ये कम्बिनेशन है, ये ना हर ड्रेस के साथ चल जाता है। और इसकी एक्चुअल प्राइस आलमोस्ट 6000 थी, 30% ऑफ के बाद ये मुझे 4500 में मिला है। और सॉरी, मैं आपको ड्रेस की प्राइस बताना भूल गई। उस ड्रेस की प्राइस 3490 थी, और वो मुझे 25% ऑफ के बाद 2600 में मिला है। इसके अलावा मैंने कुछ शूज़ की भी शॉपिंग करनी थी, तो स्टाइलों पर भी फ्लैट 20% ऑफ है। खैर, मुझे शूज़ तो वहाँ पे अच्छे नहीं लगे, क्योंकि जो पसंद आए थे उनमें साइज़ अवेलेबल नहीं था, सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। इनकी ज्वेलरी पर भी फ्लैट 20% ऑफ है। वहाँ से मैंने ये वॉच ली है, इसकी एक्चुअल प्राइस तो 2400 थी, आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 1900 में मिली है। और इसके अलावा कुछ रिंग्स भी ली हैं, इन पर भी 20% ऑफ है। अच्छा, इनके पास ना केप शॉल्स भी थी और स्कार्फ भी थे,
उन सब चीज़ों पर 20% ऑफ है। काफ़ी अच्छी कलेक्शन है इनके पास। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप विजिट कर सकते हैं। और ये फुल स्लीव स्वेटर मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया है। अच्छा, नॉर्मली तो ना उनके लिए ब्रेकआउट और आउटफिटर से शॉपिंग करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ये चेज़अप से लिया है। चेज़अप पे मैं ग्रॉसरी करने गई थी तो उनको ये आर्टिकल अच्छा लगा तो ले लिया। सेकेंडली ये काफ़ी रीज़नेबल है और आपके साथ शेयर करने का मकसद भी यही है कि इवन इनके ऊपर डिस्काउंट तो नहीं है, लेकिन डिस्काउंट के बगैर भी इनके प्राइसेस बहुत मुनासिब है। और दूसरी बात, क्वालिटी भी अच्छी है। हमें तो इनकी क्वालिटी अच्छी लगी। बाहर से ये वूल फैब्रिक है जबकि अंदर से फ्लीस है, बहुत गर्म है और इसकी प्राइस भी बहुत मुनासिब है। ये हमें 1800 की रेंज में मिला है और इस तरह का आर्टिकल जब हम बाहर से लेंगे या किसी ब्रांड से लें तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है, बशर्ते के ब्रांड्स पर फ्लैट 50% डिस्काउंट हो। और अगर आपने अभी तक शॉपिंग नहीं की तो आप करना चाहते हैं तो आप एक दफ़ा चेज़अप को लाजमी विज़िट करें। अगेन, ये अपर भी मैंने चेज़अप से लिया है और ये मेरे बेटे का अपर है। वैसे तो मेरे बेटे के पास अपर्स थे क्योंकि जब लास्ट ईयर एंड सीज़न सेल लगी थी ना तो मैंने उसके लिए 2-3 अपर्स बाय किए थे। वैसे मैं जब सीज़न एंड सेल्स लगती है ना तो ज़्यादातर कपड़े मैं तभी लेती हूँ क्योंकि तब फ्लैट 50% डिस्काउंट लगता है और काफ़ी रीज़नेबल मिल जाते हैं। आप इस सीज़न एंड सेल का ना लाजमी वेट किया करें और वहाँ से लेकर रख लिया करें नेक्स्ट ईयर के लिए। अच्छा, एक नंबर ना बड़ा लिया करें ताकि आपके बच्चों का नेक्स्ट ईयर आ सके। अभी फ़िलहाल इतना गर्म अपर नहीं था इस वजह से मैंने ये लिया और ये मुझे तकरीबन 2000 की रेंज में मिला है। अच्छा, ये शर्ट ना मैंने अपनी बेटी के लिए लोकल मार्केट से बाय की है और ये स्वेट शर्ट है, ये मुझे 500 में मिली है, ये भी काफ़ी मुनासिब है। अगेन, ये शर्ट मैंने अपने बेटे के लिए ली है, ये भी अगेन लोकल मार्केट से बाय की है और ये भी मुझे 500 में मिली है। इनका स्टफ़ मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ये मैंने ड्रेस अपनी बेटी के लिए लिया था लास्ट ईयर जब सब ब्रांड्स पर फ्लैट 50% डिस्काउंट था ना, तब मैंने इसे बाय किया था। और इसको शेयर करने का ना पर्पज़ यही है कि आप भी इसी तरह फ्लैट 50% डिस्काउंट का वेट किया करें और नेक्स्ट सीज़न के लिए ना कपड़े लेकर रख लें। एक साइज़ बड़ा लिया करें बच्चों के लिए, बहुत आसानी हो जाती है और काफ़ी रीज़नेबल मिल जाते हैं। अगेन, ये अपर भी अपने बेटे के लिए मैंने लास्ट ईयर ही बाय किया था। और भी काफ़ी ड्रेसेस थे लेकिन अब चूंकि वो यूज़ हो चुके हैं इसलिए आपके साथ शेयर नहीं किए। और जी, ये मैंने आपको वॉच दिखानी थी क्योंकि मुझसे सब्र नहीं हो रहा था इसलिए जल्द अज जल्द पहन ली। और ये अपर भी मैंने लास्ट ईयर ही बाय किया था, अगेन ये भी फ्लैट 50% ऑफ पर लिया था और ये मैंने अर्बन जूनियर से बाय किया था। ये जैकेट ना मेरी बेटी की फेवरेट है, ख़ास तौर पर ये जो फ़र है ना ये उसको बहुत पसंद है। इसी तरह के फ़र वाले 2-3 अपर्स मेरे पास भी हैं और इसकी प्राइस आलमोस्ट 4000 या 5000 की रेंज में होगी और मुझे फ्लैट 50% पर ये 2500 या 2000 की रेंज में मिला होगा। इस तरह फ्लैट 50% ऑफ पर ना चीज़ें काफ़ी मुनासिब हो जाती हैं। और ये शूज़ ना मेरे हस्बैंड लेके आए हैं मेरे लिए और इनके ऊपर ऑफ नहीं है। एक्चुअली मेरे पास ना जॉगर्स की काफ़ी वैरायटी है लेकिन फ़िलहाल तो मुझे वाइट जॉगर्स का क्रेज़ हुआ था तो बाय चांस आउटफिटर्स पर नज़र आ गए। ये एक दिन पहले मैं जाकर ट्राई करके आई थी लेकिन फिर छोड़ दिए और नेक्स्ट डे जाकर ना हस्बैंड ले आए। मुझे ना हाई सोल का आजकल बहुत ही क्रेज़ हुआ है। एडिडास पर आर्टिकल देखा था लेकिन उसमें मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था तो ये आउटफिटर से मुझे मिल गया। ये तकरीबन 4500 की रेंज में है और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए एक शूज़ लेके आई हैं हाई स्ट्रीट से, इन पर भी फ्लैट 50% ऑफ है।
इसकी प्राइस 8000 थी और आफ्टर डिस्काउंट ये 4000 में मिला है। देखिए फ्लैट 50% ऑफ के बाद में चीज़ें काफ़ी मुनासिब हो जाती हैं। और आपके साथ ना लास्ट ईयर के आर्टिकल शेयर करने का पर्पज़ भी यही था कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आप भी इसी तरह सीज़न एंड सेल पर शॉपिंग करके नेक्स्ट ईयर के लिए रख सकते हैं। अगर ज़रूरत हो तब तो नॉर्मल प्राइस में बाय कर ले, अगर ज़रूरत नहीं है तब सीज़न एंड सेल का वेट करें। और बाकी बात रही अफोर्ड करने की, तो अफोर्ड तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर किफ़ायतशारी से चलें तो बेहतर है। और जी अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह न्यू वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।